नमस्कार, कीर्तिस किचन केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 3-4 महीनों से मैंने कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया है। आज भी कोई रेसिपी की वीडियो मैं लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप सबके साथ एक खुशखबरी शेयर करने जा रही हूँ। भगवान की कृपा से हमने USA में एक नया घर ले लिया है, जिसकी हाउस शॉपिंग अभी किया है हमने, और उसी की वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल कीर्तिस किचन केमिस्ट्री एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए देखते हैं USA में घर कैसा होता है और घर की पूजा और हाउस वार्मिंग पार्टी हमने किस तरह किया है। चलिए देखते हैं। ये है हमारा नया घर। इसे लास्ट ईयर हमने बुक किया था, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फाइनली हमें मिल गया है। अभी ये है छोटा सा चैंडलियर अंदर, और ये जो पैसेज जा रहा है वो लिविंग रूम के तरफ जा रहा है, और ये जो फ्लोरिंग है हार्डवुड का है, हमने अपग्रेड करा के हार्डवुड फ्लोरिंग किया है, नहीं तो वो टाइल्स दे रहे थे। थोड़ा सा सजावट हमने किया हुआ है, और ये जो सजावट आप देख रहे हैं ये फ़ोटो के लिए हमने किया है। तो ये जो कर्टन से बैकड्रॉप कर्टन से वो हमने अमेजन से लिया है, और ये फूल भी बाहर से लिया है, और इसी तरह से मैंने मेरे फ्रेंड्स के मदद से डेकोरेशन किया है। तो ये जो डेकोरेशन है मेनली फ़ोटो के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट्स भी लगा दिए हैं हमने। शाम को जब गेस्ट आएंगे तो तभी हम लाइट्स लगाएंगे, और तभी फ़ोटो भी बहुत अच्छी आएगी। तो इसी तरह से छोटा सा डेकोरेशन किया है यहाँ पर। और ये जो कर्टन्स आप देख रहे हैं ये हमने इंडिया से लिया है, और ये बैकयार्ड की तरफ जो दरवाज़ा है वो बैकयार्ड की तरफ है, और ये सजावट हमने पूजा के लिए किया है। तो ये है मेरा फेवरेट प्लेस किचन, ये आइलैंड है। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सजाया है, रियल फ्लावर्स और कैंडल्स शाम को लगाएंगे ये सब। अभी बैकयार्ड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सारे चेयर्स वगैरह सब हमने मंगवा लिया है, शाम को जब गेस्ट आएंगे तो उनके लिए चाहिए होगा। आप देख सकते हैं हमारा बैकयार्ड छोटा सा है लेकिन सुंदर है। अभी मैं आपको पूरा मेरा बैकयार्ड दिखा रही हूँ। इस तरफ से एक एंट्रेंस है बाहर की तरफ से, आप देख सकते हैं इतना ही बड़ा हमारा बैकयार्ड है। यहाँ पे हमने पूजा के लिए सजावट की हुई है, और सारे सामान हमने अरेंज करके रखवा लिया है, ताकि जब पंडित जी आए सुबह तो पूजा शुरू होगा। ये मेरा किचन है, माइक्रोवेव कुकटॉप और ओवन एक ही साथ। ये पैंट्री है स्टोरेज के लिए, ये नया फ्रिज है, बस और कुछ नहीं डाला है हमने, इतना ही है अभी। इसी तरह से थोड़ा सा बस कुछ हम डेकोरेशन किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। अभी मैं गिफ्ट्स रैप करूँगी रिटर्न गिफ्ट्स के लिए। ये देख सकते हैं थोड़ा सा पोटली मैंने लिया है ऐसे, और डेकोरेटिव दिए हैं, पीतल के भी दिए हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं ये सब। इसको मैं अभी पैक करने जा रही हूँ रिटर्न गिफ्ट्स के लिए। पंडित जी आ गए हैं, अभी पूजा शुरू होगी। शुद्धवारो मणिवारस्ता अश्विनाः पञ्चामृतिस्नानं चातमर्पयामि। ॐ हरिः ॐ मा पञ्चहृदयाः सरस्वतीमपि अन्विष।
ओम दुर्गायै नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा वेदाय नमः ईशान्याम ईश्वराय नमः ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमः ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमः अधस्ताद पृथ्वी नमो नमः अभ्यच्छाम देहि च पार्वती यहाँ पर चढ़ा दीजिए भूर्वाश्वा पार्वती नमः अन्नपूर्णा देवी नमो नमः बोले अग्नि नारायण देव की जय अन्नपूर्णी मात की जय। अभी शाम के 7 बज चुके हैं, थोड़े गेस्ट अभी आना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं बैकयार्ड में भी थोड़े गेस्ट हैं। अभी इसी तरह मैंने कैंडल भी जला दिए हैं यहाँ पे। अभी खाने में मैं रसमलाई और बालूशाही डेजर्ट में बनाया है। 35 फैमिलीज को हमने इनवाइट किया है और सारा खाना मैं खुद अपने हाथों से ही बनाया हूँ। ये है स्टार्टर्स कोन समोसा, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे। दही वड़े हैं और ये कटोरी चाट है, इसकी भी वीडियो है मेरे चैनल पे। आप चाहें तो देख सकते हैं रेसिपी। ये तंदूरी वेज है, बहुत ही टेस्टी है। ये हक्का नूडल्स है, इसके साथ मैंने कुछ वेज मंचूरियन भी डाल दिया है इसमें। तो स्टार्टर में 5 आइटम है यहाँ पे, मीठी चटनी भी है और ग्रीन चटनी भी है साथ में। और इस तरफ मेन कोर्स में मलाई कोफ्ता है, रोटी है, पापड़, राइस है, दाल फ्राई है और कुछ सब्जियां हैं और ये वेज बिरयानी भी है साथ में, रायता है। तो ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। अभी सर आप देख सकते हैं थोड़े गेस्ट अभी खाना भी शुरू कर चुके हैं। शाम के अभी 8 बज चुके हैं। समर है इसलिए ज़्यादा देर तक लाइट रहता है। और घर के अंदर भी आप देख सकते हैं लगभग सारे गेस्ट आ चुके हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं ये। बहुत ही अभी रात के 10 बज चुके हैं। मैं बाहर से भी दिखा रही हूँ आपको व्यू हमारे घर का, देख सकते हैं बहुत सुंदर दिख रहा है बाहर से। हम थोड़े लाइट्स भी लगा दिए हैं बाहर, थोड़े गेस्ट अभी हैं, जो क्लोज हैं वो अभी हैं, बाकी गेस्ट चले गए हैं। मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ भी है। आज मेरा बर्थडे है तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज़ रखे हैं, बहुत खुशी मिली है। आप सबके साथ हमारे फैमिली पिक्चर्स में शेयर कर रही हूँ। अभी मैं आपको हमारा घर दिखा रही हूँ। ये है एक रूम एंट्रेंस के लेफ्ट में, ये पहले फ्लेक्स रूम था, इसे हम कन्वर्ट करा के एक बेडरूम किया है और ये मेरे बेटी के लिए हमने बनवाया है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी विंडो है और विंडो से बाहर का व्यू भी बहुत अच्छी है। सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं कितना ग्रीनरी है और बहुत सुंदर दिखता है ये व्यू। तो नीचे ये है एक रूम और ये कर्टन्स हमने इंडिया से लिया है। तो इसके बगल में एक बाथरूम है, हाफ बाथ था पहले, मतलब एक टॉयलेट और सिंक, हमने इसे अपग्रेड करा के शावर लगवा दिया है। अभी चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये है हमारा मास्टर बेडरूम जो नीचे है, बहुत बड़ा रूम है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो और विंडो से भी व्यू बहुत अच्छी है बाहर का। तो मास्टर बेडरूम को लग के ये मेन बाथरूम है, दो सिंक है यहाँ पे
और बाथटब है, यहाँ आप देख सकते हैं बाथटब बहुत अच्छा है, डेप्थ भी बहुत है इसका। और दूसरी तरफ सावर है, सावर के पास डोर के पीछे एक स्टोरेज के लिए रैक भी है। अभी सारा सामान हम लाएंगे, अभी कुछ नहीं लाया है अभी तक, पूजा होने के बाद ही सारा सामान आ जाएगा। ये अलग से टॉयलेट है, ये है क्लोसेट, बहुत बड़ी क्लोसेट है ये। तो चलिए चलते हैं, अभी दिखाने जा रही हूँ मैं आपको हमारा गराज। ये है वाशर ड्रायर रखने की जगह, और यहाँ पे जो डोर है यहाँ हमारा गराज है, दो कार यहाँ पे रह सकता है। अभी चलते हैं ऊपर, ये है हमारा स्टेयरकेस, ऊपर हमारा तीन बेडरूम है। दो स्टोरेज के लिए दो सेल्फ दिए हैं, ये है प्ले एरिया, ये कॉमन बाथ है एक, ये देखिए एक स्टोरेज भी है, ये एक रूम है, ये मेरे हस्बैंड ने इसे ऑफिस बनाने के लिए सोचे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का व्यू विंडो से, यहाँ पे भी एक क्लोसेट है। अभी चलते हैं बाहर, यहाँ पे और एक स्टोरेज है, यहाँ से आप एंट्रेंस डोर देख सकते हैं। ये एक रूम है, ये रूम मेरे बेटे के लिए हमने सोचा है, और यहाँ पे भी एक क्लोसेट है। ये प्ले एरिया है, गेम एरिया, यहाँ से आप बैकयार्ड देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं आप। ये वीडियो मैंने जब डेकोरेशन नहीं किया था तभी लिया था। और अभी चलते हैं, और एक रूम है यहाँ, इसे हम मीडिया रूम बनाने के लिए सोचे हैं, नहीं तो गेस्ट रूम। यहाँ पे अटैच बाथ है एक, और एक क्लोसेट भी है। सारे रूम्स यहाँ पे बड़े बड़े हैं, तो काफी अच्छा स्पेस है। तो ये है हमारा नया घर, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको ये घर कैसा लगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कर शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।